वेलकम टू स्टॉन डिटेशन डिटेशन पाँच सेकंड बाद शुरू होगा रेडी स्टार्ट मेलबर्न में पिछले हफ्ते क्वाड समूह के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को लेकर जो चिंताएं उभरी हैं वे कोई बेवजह नहीं हैं क्वाड के सदस्य देश अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत सभी चीन की बढ़ती विस्तारवादी गतिविधियों से चिंतित हैं पिछले एक दशक में दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र और खासतौर से दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां आक्रामक ढंग से बढ़ी हैं इससे सभी देशों के लिए चुनौती तो बढ़ ही रही है साथ ही क्षेत्रीय शांति भी खतरे में पड़ती जा रही है इस लिहाज से मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों के संवाद का महत्व और बढ़ जाता है इस बैठक की बड़ी उपलब्धि यह रही है कि चारों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को भी साथ लेकर काम करने का संकल्प किया ऐसा इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटना किसी एक देश के बूते की बात है नहीं इसलिए चीन से निपटने के लिए कई देश एकजुट हो रहे हैं क्वाड के गठन के पीछे असल मकसद भी चीन की घेरेबंदी करना ही था इसमें कोई दो राय नहीं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों की जोर आजमाइश का नया केंद्र बन गया है यह भी कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है जैसे समुद्रों पर आधिपत्य कायम करने की बड़े और ताकतवर देशों की महत्वाकांक्षा है सामरिक दृष्टि से भारत के लिए हिंद महासागर की खास अहमियत है इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए प्रशांत महासागर का अपना महत्व है दक्षिण चीन सागर भी इसी हिस्से में पड़ता है इन दोनों महासागरों से गुजरने वाले जलमार्ग से वैश्विक व्यापार का तीस फीसद से ज्यादा व्यापार होता है ऐसे में चीन क्यों नहीं चाहेगा कि यहाँ उसकी ही सत्ता चले इसीलिए वह वर्षों से दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है यहाँ के जलमार्गों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए उसने ऐसे समुद्री यात्रा कानून थोप दिए हैं जो दूसरे देशों को नागवार गुजर रहे हैं जबकि कायदे से दुनिया के सभी जलमार्गों के लिए संधियां संयुक्त राष्ट्र के नियम नियमों के तहत बनी हैं पर चीन यहाँ किसी की नहीं सुन रहा इससे टकराव और बढ़ रहा है इसलिए क्वाड देशों की बैठक में यह सहमति बनी है कि इन महासागरों को चीन से बचाना है जहां तक सवाल है भारत का तो क्वाड देशों में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है इस चौगुटे के सदस्य देश भली भांति समझ रहे हैं कि बिना भारत को साथ लिए चीन से मुकाबला कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है वैसे भी भारत हर तरह से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान का साथ देता आया है इस बैठक में आतंकवाद का भी मुद्दा उठा भारत के लिए बड़ा हासिल यह रहा कि बैठक के बाद जारी साझा बयान में चारों देशों ने मुंबई हमले के गुनाहगारों को न्याय के कठघरे में लाने सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी नेटवर्कों को खत्म करने का संकल्प दोहराया गौरतलब है कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्वाड के सदस्य भारत के इस संकट को महसूस भी कर रहे हैं हालांकि इस बैठक को लेकर चीन की बौखलाहट भी सामने आ गई यह बैठक चीन के लिए इस बात का भी संदेश है कि भारत जापान या ऑस्ट्रेलिया अब अकेले नहीं रह गए हैं सब मिलकर उसकी चुनौतियों से निपटेंगे केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना जारी रखने का फैसला करते हुए इस मद में करीब छब्बीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने का जो प्रावधान किया वह समय की मांग के अनुरूप है इस योजना के तहत पुलिस को आधुनिक बनाने के साथ उसके कामकाज में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस क्रम में जम्मू कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पुलिस को आवश्यक संसाधनों से लैश करने पर विशेष बल दिया जाना स्वाभाविक है लेकिन ऐसी ही आवश्यकता दक्षिण भारत के राज्यों में भी है क्योंकि केरल तमिलनाडु कर्नाटक आदि में अतिवादी संगठन न केवल सिर उठा रहे हैं बल्कि उनकी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं तथ्य यह भी है कि ऐसे अतिवादी संगठनों को बाहरी ताकतों का सहयोग समर्थन मिल रहा है ये वे ताकतें हैं जो भारत को कमजोर करना चाह रही हैं इसके लिए वे मतांतरण में लिप्त संगठनों से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की मदद करने में लगी हुई हैं इन बाहरी ताकतों में कुछ ऐसी भी हैं जो कथित तौर पर नागरिक अधिकारों और पर्यावरण जैसे मसलों की आड़ में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती हैं इसी कारण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे बढ़ रहे हैं चूंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने तत्व आधुनिक तकनीक से लैस होकर नित नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं इसलिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया तंत्र भी न केवल समुचित संसाधनों से सज्जित हो बल्कि संख्या बल के अभाव से भी मुक्त हो यह ठीक नहीं कि अनेक राज्यों में पुलिसकर्मियों के हजारों पद रिक्त हैं पुलिस बल को केवल आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों से ही लैश नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब भी विकसित की जानी चाहिए इसके अतिरिक्त आपराधिक न्याय तंत्र को प्रभावी बनाने के साथ पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे काम के बोझ से मुक्त हो सकें यह ठीक है कि हाल के समय में ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन वे अभी अपर्याप्त हैं आधुनिकीकरण के साथ पुलिस को जरूरी संसाधनों और सुविधाओं से लैस करने के काम को वैसी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसी सेनाओं को समर्थ बनाने के लिए दी जा रही है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष जो भी खतरे हैं उनका पहला सामना पुलिस ही करती है इसलिए उसे और अधिक दक्ष एवं समक्ष बनाने की जो पहल केंद्र सरकार कर रही है उसमें राज्यों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है स्टॉप